हाँ दोस्तों, अब पुराना वर्ष समाप्ति की ओर है, आपके सामने एक नया वर्ष है। अब आपके पास समय है कि आप अपने नए साल को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वर्ष बना सकते हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये मेरे सभी बोर्ड की परीक्षार्थियों के लिए है कि अब आपका दिसंबर खत्म हो गया, अब आपके सामने एक नया वर्ष है, नया महीना है, नए दिन है, चंद दिनों में ही आपका ये साल खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों आपने इस साल से क्या सीख ली, यही काम आपको जनवरी से स्टार्ट कर देना है, सभी असफलताओं को भूलकर, सभी चीजों को भूलकर। और दोस्तों आपने बहुत सारे अच्छे काम भी किए होंगे इस वर्ष में, अब आपको नई शुरुआत करनी है। तो यही दोस्तों आपका वीडियो आज इसी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो स्वागत है दोस्तों आपका APN क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, ये 5 काम आपको जनवरी में करना है। अगर आप इन 5 कामों को कर लेते हैं, इन 5 बातों का ध्यान रख लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा प्रतिशत आपका आएगा, आप अपने रिजल्ट को देखकर बहुत खुश होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं उन बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनकी तैयारी, जिनको लग रहा है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है या मेरा कुछ भी नहीं तैयार है, उन बच्चों से मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपको अपने अंदर पहला काम दोस्तों आपको यही करना है जनवरी 2020 में, कि आपको अपने अंदर से निगेटिविटी को हटाना है कि मेरा कुछ नहीं तैयार है, मैं उससे कमजोर हूँ, मुझे उससे कम आता है। ये तो आपको सोचना ही नहीं है, आप बस एक चीज सोच कर जाइए कि मुझे अच्छा करना है, मुझे बेस्ट करना है, मुझे अपने 2020 के बोर्ड एग्जाम के लिए अब दिन रात एक करना है, मैं कैसा हूँ, मैंने क्या किया। ये तो आपको सोचना ही नहीं है। पहली बात, अपने अंदर से आप निगेटिव थॉट निकालिए और ये मान लीजिए कि आप बेस्ट हैं, आपके पास अभी पर्याप्त समय है। इस पर दोस्तों मैं आपसे 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ जो आपका हौसला जरूर से बढ़ाएंगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों आपको यही काम अब करना है, आपको अपने अंदर से जितने भी नकारात्मक विचार हैं, निगेटिविटी है, इसको निकाल करके, उखाड़ करके फेंक देना है, क्योंकि अब आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए कि मेरे पास चंद दिन बचे हैं, कुछ समय ही बचा है, अब मुझे अपना बेस्ट करना है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं, ना मुझे कुछ सोचना है, मैंने क्या किया, मेरी कितनी तैयारी है, ये सब मत सोच करके जितना भी समय आपके पास बचा है उस समय का पर्याप्त यूज करिए और अपने लक्ष्य के लिए लग जाइए दोस्तों, यही काम आपको करना है। दूसरा काम आपको करना है जो सभी बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी चल रही हो, बहुत बच्चे ऐसी गलती करेंगे कि दिसंबर तक वो अच्छे चल रहे थे, जनवरी के बाद वो रिलैक्स हो जाएंगे कि नहीं, अब तो मैं बहुत तैयार कर लिया हूं, मैं बहुत आगे हूं, मुझे बहुत कुछ आ गया है। तो ये चीज आप मत लेकर के चलिएगा दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस बहुत लोगों को बोर्ड एग्जाम में डुबो देता है और वो अपनी मन मुताबिक परिणाम हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे दूसरा बात यही कहना चाहूंगा कि अब आपको रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर पढ़ना क्यों है, और एक टाइम टेबल के साथ पढ़ना है आपको। आपको एक टाइम टेबल जरूर बनाना है कि मुझे इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है, मुझे इतना समय ये देना है, मैं इतने घंटे रोज पढ़ूंगा। ये आपको मैं बार बार इसलिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि बिना आप किसी कार्य समय सारिणी के आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जर्नल सी बात है, अगर मुझे ही कोई काम करना है और मुझे उसके लिए अनिश्चित समय दे दिया जाए तो मैं उस काम को कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक निश्चित समय है तो मैं भी जानता रहूंगा इस समय का महत्व, तो मैं उसको जरूर करूंगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार जोर देता हूं कि अब आपको टाइम टेबल के साथ रेगुलर पढ़ाई करनी है, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो दोस्तों। अगर आप इन कुछ दिनों का, इन बचे हुए दिनों का, इन चंद दिनों का फायदा उठा ले जाते हैं तो आप अपने आप को, रिजल्ट को आप परिवर्तित पाएंगे। आपका जो प्रतिशत होगा, आप जितना आपने सोचा होगा उससे 5% 10% अधिक आपके प्रतिशत आने की संभावना बिल्कुल है। तो बिल्कुल आपको रेगुलरिटी अब अपने आप को मेंटेन करना है। अब आपको कहीं जाना आना नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ रेगुलर अब आप एक काम करिए, आप जितने भी काम था अब आपने सब कर लिए, पुराना साल आपका जा रहा है, तो जनवरी से आपको एक ही काम करना है कि आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर एक टाइम टेबल के साथ आपको पढ़ना है दोस्तों।
तीसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबको करना है दोस्तों, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो, कम हो, ज्यादा हो, मध्यम वर्गीय आपकी तैयारी हो, तो बिल्कुल अब आपको रिवीजन पर बहुत फोकस करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, रिवीजन इसका उनका करना है जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं। अब आप नए टॉपिक्स को कम ही स्टार्ट करिएगा, जिनका बहुत तैयारी है तो अब उनको क्या करना है कि आपको और टॉपिक्स को नहीं टच करना है। देखिए दोस्तों, जो आप सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं तो वो अब आप रिवीजन पे टाइम दीजिए। होता क्या है कि हम सभी चीजें पढ़ लेते हैं पर हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यही दिक्कत होती है कि हम अपने चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एग्जाम में हम अब उसको नहीं कर पाते हैं। तो यही काम आपको करना है कि अब आपको रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है। जो चीजें आपने पढ़ ली हैं, जितना आपने पढ़ लिया उतना बहुत है दोस्तों। आप ये सोच के चलिए जो चीजें मैंने पढ़ी हैं वही बोर्ड एग्जाम में आएंगी, लेकिन मैं उसको कब लिख पाऊंगा, जब मैं उसका अच्छा रिवीजन करूंगा, जब मैं उसमें अच्छा समय दूंगा। तो अब आपको अपने समय को रिवीजन में बहुत ज्यादा लगाना है, रिवीजन में अपने समय को व्यतीत करना है, ये काम आपको करना है। अगर इस काम को आप कर ले जाते हैं दोस्तों बचे हुए दिनों में, तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में, अपने बोर्ड के रिजल्ट में बहुत अंतर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम सारे टॉपिक्स तो पढ़ लेते हैं पर होता है ये कि हम रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं, तो हम जब पेपर में जाते हैं लिखने तो हमें वो चीज याद ही नहीं रहती। तो दोस्तों हम लिखेंगे कैसे, जो चीज हमें याद नहीं रहेगी उसे हम लिखने में हमें बहुत परेशानी होगी, हम उसे लिख ही नहीं पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अब आप अपने रिवीजन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को लगा दीजिए कि नहीं, जो मैंने पढ़ा है मुझसे ठोस वो कोई नहीं पढ़ना है, मुझसे ठोस वो किसी को नहीं आता है। देखिए दोस्तों होता क्या है, टॉपर्स कौन बनते हैं, टॉपर्स वही बनते हैं जो अपनी पढ़ी हुई चीजों को लगातार रिवीजन करते हैं, लगातार उसको ठोस बनाते चले जाते हैं, वो अपनी सफलता को, अपने मंजिल को जरूर छूते हैं। तो बिल्कुल इसलिए मैं आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं दोस्तों, यही काम आपको करना है। इसके लिए मैं दोस्तों आपसे दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि जिनको सपने देखना अच्छा लगता है, जिनको सपने देखना अच्छा लगता है उनको रात छोटी लगती है, उनको रात छोटी लगती है, लेकिन जिनको सपने पूरा करना होता है, लेकिन जिनको सपने पूरे करने होते हैं उनको दिन छोटा लगता है, उनको दिन छोटा लगता है। तो दोस्तों ये सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, इसीलिए मैं आपको रिवीजन पे बार बार जोर दे रहा हूं। चौथा काम, जो मेन काम आपको करना है, जो मैं आपसे कहने वाला हूं, वो है दोस्तों अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि आप एग्जाम से पहले इतना ज्यादा लोड ले लें, इतना ज्यादा टेंशन ले लें कि आपकी तबीयत ही खराब हो जाए, क्योंकि देखिए दोस्तों सबसे बड़ा जो धन है, सबसे बड़ा जो आपका मेन चीज है वो हेल्थ ही है। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं सही रहेगी, अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं सही रहेगा तो आप एग्जाम कैसे दे पाओगे, एग्जाम में अच्छा कैसे कर पाओगे, ये तो बहुत दूर की बात है। तो अब आपको एक समय सारिणी के अनुसार पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा लोड अपने ऊपर नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, एकदम रिलैक्स माइंड से आप जाइए और ऐसा सोचिए कि आप नॉर्मल स्कूल का टेस्ट दे रहे हो। आपकी तैयारी अगर अच्छी है दोस्तों तो आपके हेल्थ पर इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी गड़बड़ भी है तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है, आप अपने आप में आप लग जाइए, अपने कार्य में लग जाइए। लेकिन हाँ, अब आप हेल्थ सुधारने के लिए एक प्रॉपर डाइट लीजिए, खाइए पीजिए दोस्तों, हल्की डाइट लीजिए, बहुत ज्यादा डाइट आप मत लीजिए, क्योंकि अब आपको पढ़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप हल्की डाइट से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर करना है चीजें। ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं तो मैंने खाने पीने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल दोस्तों करिएगा ही मत। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो इतने तैयारी में लग जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं देते हैं, उसका परिणाम उनको अपने एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा वो पछताते हैं दोस्तों। अपने हेल्थ का आप खुद ध्यान रखिए दोस्तों, अपने आप के आप खुद मास्टर हैं, तो अपने आप में आपको ये काम करना होगा, अपने स्वास्थ्य की दोस्तों रक्षा खुद करनी है, क्योंकि मौसम भी दोस्तों बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वेदर भी हमारा ऐसा है कि हम बीमार हो सकते हैं। तो बिल्कुल अब आपको बोर्ड एग्जाम है तो आपको पूरा अपने एग्जाम तक ही नहीं आगे तक भी स्वस्थ रहना है, लेकिन आपको अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है दोस्तों। अगर अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, एक प्रॉपर समय के साथ आप डिनर कर रहे हैं, हर चीजें ले रहे हैं, आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर समय से सो रहे हैं, प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एग्जाम आप देंगे। क्योंकि दोस्तों फ्रेश माइंड अगर आपका रहेगा तो आप पेपर में बहुत अच्छा कर लोगे, ऐसा मेरा दोस्तों वादा है आपसे। पांचवा काम आपको करना है, अब आपके पास बहुत समय नहीं बचा है तो आपको दोस्तों करना ये है कि अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट को लगाना चालू कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ बोर्ड्स के बारे में ऐसा कहना चाहूंगा, जो बोर्ड्स जिनके सिलेबस अभी चेंज हुए हैं, जैसे कुछ बोर्ड्स की स्टेट बुक्स चलती थी अब वो एनसीईआरटी चला रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगा प्रैक्टिस पेपर एक अच्छा सा ले लीजिए आप, ताकि आपको क्वेश्चंस का वैरायटी पता चल जाए, क्वेश्चंस का टाइप पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे।
तो ये आपको जब पता रहेगा तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि अब जितने भी टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि अब आप सिलेबस लगभग पढ़ चुके होगे अपना, जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उनको आप मार्क करिए, अब उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए कि बहुत टाइम नहीं बचा है दोस्तों। ये मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जिनका कुछ नहीं तैयार है, और ये मैं जिनसे उनसे भी कहना चाहूंगा जिनका लगभग सिलेबस कंप्लीट है। अब आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जोर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज कर लीजिए। दोस्तों देखिए, एग्जाम का पैटर्न किसी को नहीं पता होता। बहुत लोग कहते हैं कि सर आप पेपर बता दीजिए, ये कर दीजिए, ये किसी को नहीं पता होता। ये जो आपको पढ़ा रहा है उसको खुद नहीं पता कि एग्जाम में कैसा पेपर आएगा। इसका केवल एक ही तरीका है, केवल एक ही मूल मंत्र है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करिए। आप जब इनको हल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस का टाइपोलॉजी क्या है, क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ये काम दोस्तों आपको करना है। मैं आपको सैंपल पेपर किस लिए कहा हूं कि पेपर का पैटर्न चेंज होता रहता है। सैंपल पेपर आपको एक आइडिया दे देता है कि आपका जो पेपर का प्रारूप होगा या आपका जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, किस बेसिस पर आएगा, कौन टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद है मैंने जो आपको 5 बातें बताई हैं आप इनको पूरा फॉलो करेंगे, और अगर आप इनको पूरा फॉलो करेंगे दोस्तों तो बोर्ड एग्जाम में आपको इन बातों का लाभ मिलने वाला है। ये मेरा आपसे शत प्रतिशत दावा है। अगर दोस्तों आप पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। डाउटनट नाम का दोस्तों एक ऐप है, इसमें दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स क्वेश्चन इसको डाउनलोड कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। दोस्तों इसमें आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, आपको दोस्तों उस क्वेश्चन की फोटो खींच करके क्लिक करके दोस्तों अपलोड कर देना है, आग से डाउट पर जाना है। जैसे ही आप उस पर अपनी क्वेश्चन की फोटो अपलोड करोगे, एक बार में एक क्वेश्चन आपको डाउटनट की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, ताकि नए साल में वो भी एक संकल्प के साथ लग जाएं और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करें।